और एक माइनर सी सर्जरी होनी है। एक्चुअली मेरे नाक में ना जो मेरा मांस है वो ज़्यादा हो गया है, तो उसके लिए सर्जरी होनी है। कह रहे जलाएंगे उसको या काटेंगे, दो ऑप्शन हैं। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:27। Hey, good morning guys, welcome back to the new vlog. Hope so you are doing absolutely good. सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मैं उठ गया, एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं जो भी प्लान रहता है। तो फिलहाल एडिटिंग करते हैं, मेरे पास है 2 घंटे हैं अभी तक, आराम से करते हैं एडिटिंग। सो मस्त रहता है ना सुबह सुबह एडिटिंग करना, अदरवाइज मैंने उठ के अभी फ़ोन ही चलाना था, इससे बेटर है कि एडिटिंग कर लेता हूँ। तो गाइस टाइम 7:30 हो गए, यहाँ पे वीडियो मैंने एक्सपोर्ट करने के लिए लगा दी। भाई आज तो सुबह सुबह मस्त पूजा होगी, क्या बात है, आज तो हमारी गौ माता की पूजा होगी, पूरे हार वगैरह डले आज तो गले में, क्या बात है। बट आज इसका मेरे को मूड ऑफ सा लग रहा है कुछ ना, तो कुछ खा नहीं रही है, क्या हो गया? आज बड़ी मासूम सी लग रही है, ऐसे मूड ऑफ हो इसका ना कुछ, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, बस खारिश करते रहो इसको सारा दिन, तब खुशी रहती है ये, बस ऐसे मस्त रहेगी, बस ऐसे करते रहो इसको, तब ये कराते रहेगी पूरा दिन चाहे। तो गाइस नहा धोके रेडी हो गया, अभी करने लगा ब्रेकफास्ट, मशरूम की सब्जी और रोटी। तो ब्रेकफास्ट करके हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि मम्मी की टेस्ट करवाने, आप सभी को पता ही है, तो कल के जो बचे हैं तो वो करवाने हैं, फिर उसके बाद घर आएंगे, फिलहाल खाना खाते हैं। तो गाइस अभी निकलने लगे हैं और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बाइक लेके जाएं, स्प्लेंडर लेके जाएं या डिस्कवर लेके जाएं, आप बताओ। ये ले, इसमें पेट्रोल ही नहीं है तो मेरे को डलवाना पड़ेगा, उसमें है पड़ा हुआ डिस्कवर में, देखते हैं गाइस कितना पेट्रोल है। तो आपने कौन सा हॉस्पिटल में ही रहना है, आपका काम ऐसे एक सेकंड में थोड़ी हो जाना है, अंदर टाइम भी लगना है, मैं तो जा सकता हूँ बाद में तो बस फिर कौन कह रहा है, थोड़ा सा देर पापा इसको लेके जाते हैं कहीं पे हैं दिल्ली, नहीं पेट्रोल ही नहीं इसमें, तो थोड़ा सा पेट्रोल है, चल दूसरा हॉस्पिटल तो जाना है। ये तेल, हाँ ये जो सुई ऊपर उठेगी ना, जितनी ज्यादा उतना तेल होता है, ई से ऊपर उठेगी तो थोड़ी सी उठी, क्या करें फिर यार, ये वाला बड़ा स्लो चलता था, नूरपुर तो मजा आ जाएगा, अभी मैं जाना यार आगे फिर लेके यार, ऐसा करते हैं इसका पेट्रोल निकाल लेते हैं, इसमें डाल देते हैं, जल्दी यार बताओ फिर कौन सा लेके जाओ, जल्दी बताओ, वो लेके जाने मन नहीं कर रहा यार, इसमें पेट्रोल नहीं है, चलो यार डिस्कवरी लेके चलते हैं, नहीं यार ये ले चलते सिलेंडर, चलो पेट्रोल डलवा लेंगे इसने यार। तो गाइस फिलहाल घर से भी निकल चुके हैं और पूरे बादल बादल से आज, धूप भी नहीं निकली, ठंड भी लगने लग पड़ी है, तो फटाफट चल के काम करवाते हैं। पहले थी सुबह हल्की हल्की सी धूप ना, लेकिन अब वो भी चलेगी, ठंड लग रही है बाइक पे। तो गाइस हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं और फटाफट से अब काम वगैरह करवाते हैं, मम्मी के टेस्ट वगैरह, उसके बाद फिर घर ही जाएंगे डायरेक्ट। देख लो भाई साहब पर्चियाँ बन रही है, कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे। तो गाइस ये है बिलिंग वाली लाइन, यहाँ से कटेंगे बिल, मम्मी सबसे लास्ट में। तो गाइस मम्मी भी आ गई अपना टेस्ट करवा के और रिपोर्ट आने में 1 बजे के बाद रिपोर्ट आएगी, हालांकि अभी टाइम 11 बज रहे हैं और 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे करना क्या मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये है कि मम्मी को भूख लगी थी, सुबह खाली पेट आए थे टेस्ट करवाने के लिए, तो अभी ढाबे पे ले आए हूँ, यहाँ पे मम्मी खा लेंगे कुछ, मैं तो खा के आया था। तो गाइस मम्मी का ब्रेकफास्ट भी आया यहाँ पे, सब्जी मंगवाई मम्मी ने मिक्स और साथ में रोटी खा रहे हैं अभी मस्त। तो मम्मी कह रहे थे कौन खाने के लिए, एक कौन मम्मी को लेके दे दी आइसक्रीम कौन, अच्छा मत लगाओ मिर्ची बड़ी है ये तो वैसे भी खाना ही था आपने वैसे भी खाना था पहले मैं खाता था ना कौन मम्मी कहते ये क्या खाते रहते, एक बार मैं मम्मी को ऐसा खिलाया, मम्मी को ऐसा, भाई साहब इसकी लत लगी ना, अब जहाँ भी जाओ मम्मी हर बार कहते हैं कि कौन खिलाई थे, फिलहाल मम्मी को लेके दे दिया। और मेरा तो कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, मेरे को तो बस ये है कि घर जाना था, काम भी करना था, अभी यही टाइम लगे। अभी मैं आ गया गाड़ियों के पास, मम्मी को गाड़ियाँ दिखाए थे, ये वही लेने का मन करता है, मम्मी ये वही लेने का मन करता है, ये वाली क्रेटा, हाँ 15-16 लाख की है ना, कौन सी, ये 10-12 तेरह की होगी, ये ऐसी ही थोड़ी इतनी होनी है, पर वो बड़ी अच्छी है, मैं और दिखाता हूँ आपको आगे आओ, हाँ डॉक्टर की गाड़ी ये वाली, ये बीच में लगी हुई है जो 20-22 लाख की है, ये पूरी वॉइस कंट्रोल है, इसको आप बोलोगे नाम लेके गाड़ी का, ओपन विंडो या खिड़कियाँ खोल देंगे, ये कर ये कर, जो आप मुँह से बोलोगे वो कर देंगे, ऐसे होनी चाहिए गाड़ियाँ ना, तो कोई भी बोल दे तो ना खोल देंगे, हाँ तो जो अंदर बैठा होगा बाहर वाला थोड़ी होगा, अंदर बैठ के स्टार्ट होगी चल रही होगी तब बोल लेंगे ना, ओपन विंडो ओपन ये, चलो जी कोई ना कोई दिन तो आएगा हम भी गाड़ी लेंगे, पर हम भी बोलेंगे हमारी सबसे अच्छी है हमारी ये,
चलो देखो जब भी आएगा, कोशिश तो जारी है हमारी मेहनत करने में। तो गाइस मम्मी के साथ साथ मैंने अपना भी चेकअप करवाना था, तो मैंने बोला कि हाथ करवा लिया, एक्सरे करवा लिया मैंने अपना, तो अभी देखते हैं क्योंकि मेरे को भी थोड़ी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम थी ना काफ़ी टाइम से, वो मैंने भी करवा लिया अपना। तो गाइस मैंने अपना चेकअप भी करवा लिया और इतनी ज़्यादा मुझे मेडिसिन वगैरह मिल गई हैं और एक माइनर सी सर्जरी होनी है। एक्चुअली मेरे नाक में ना जो मेरा मास है वो ज़्यादा हो गया है, तो उसके लिए सर्जरी होनी है। कह रहे जलाएंगे उसको या काटेंगे, दो ऑप्शन हैं, देखते हैं। तो कह रहे जल्दी करवा लो, तो देखता हूँ परसों देखता हूँ मैं, तो कल सारा काम कर लेंगे हम कंप्लीट। और मन तो नहीं कर रहा मेरा करवाने का, नाक जला देंगे भाई मेरा। तो देखते हैं जो भी है, फिलहाल दवाई वगैरह स्टार्ट करते हैं आज। ऐसे ही बेच नजायज गया मैं, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से हो रही थी, मतलब साल हो गया था मैं इग्नोर करे जा रहा था। तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, सबसे पहले तो पेट्रोल भरवाने जाएंगे, तो चलते हैं। आगे जाना पड़ेगा और कहाँ जाना, तो बाइक पे जाना पड़ेगा, कौन सा पैदल जाना। मम्मी जैसे रिएक्शन कर रहे हैं जैसे पता नहीं पैदल जाना इतनी दूर, नहीं तो पहले चला जाता पहले, मैं दिमाग में नहीं आया। तो चलो जी गाइस घर पे पहुंच चुके हैं फाइनली। पापा जी तो यहाँ बैठ के टीवी देख रहे हैं, टाइम 3:15 होने वाले हैं। तो गाइस अभी एडिटिंग कर लेता हूँ, साथ में मम्मी चाय देके चले गए, ये भी लेता हूँ मस्त। तो गाइस शाम हो चुकी है और मेरे को दो उन्होंने स्प्रे दी थी, नेजल स्प्रे नाक में डालने वाली, एक तो लिक्विड है एक दूसरी लिक्विड ही हुई है, अभी से बात है दोनों स्प्रे हुई। ये लग गया कुछ, ये सोल्यूशन है, ये स्प्रे है यार, अलग अलग फर्क है दोनों में। तो ये भी डालनी, तो फिलहाल डाल लेते हैं ये अभी। ये तीन टाइम बताई हुई है, ये दो टाइम बताइए, मतलब डाल ली ये डाल ली, फिर ऐसे करके क्या फायदा होगा, अंदर तो जाएगी नहीं। वो कह रहा गले में नहीं जानी चाहिए डॉक्टर, वो दूसरी बोल रहा था, ये बोल रहा था दूसरी अंदर नहीं जाएगी, दूसरी तो यहीं तक रहेगी, उसकी स्प्रे मारनी और मेरे को पता है। ये भी डाल ली है मैंने पहले एक बार, ये भी स्प्रे नहीं है, स्प्रे नहीं है लिक्विड है ना। तो गाइस शाम हो गया, ग्राउंड में भी आ गया, यहाँ पे वीडियोज वगैरह अपलोड करते हैं, आइट में घर से करके आ गया था और मैंने वो नेजल स्प्रे डाली है जैसे ही, तो मेरे को ऐसा लग रहा है हवा मेरे अंदर खुल के आ रही है। तो अब मन नहीं कर रहा मेरा वो सर्जरी करवाने का, पर करवाना पड़ेगी ही यार। मैंने मतलब देखा है ऐसे, मेरे को आप में से किसी को पता होगा मेरे को जरूर कमेंट में बताना, मतलब अगर हड्डी नाक की बड़ी हो तो उसका तो आई थिंक ऑपरेट ही होता है, लेकिन अगर कहते हैं कि मास ज़्यादा होना नाक का तो वो आई थिंक मेडिसिन के साथ या दवाइयों के साथ वो ठीक हो जाता है। तो मैंने डॉक्टर को कहा, वो कह रहा है कोई अल्टरनेट है ही नहीं, कोई दवाई काम ही नहीं करती है, सिर्फ सर्जरी होएगी या तो काटना पड़ेगा या जलाना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन उसने मेरे को बताई, कह रहा दवाई के साथ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं इससे पहले मैंने एक बार गूगल पर सर्च करा था, यूट्यूब पर वीडियो देखी, तो वो कह रहे थे कि दवाई होती है, दवाइयों के साथ वो हो जाता है, मतलब जो स्वेलिंग हुई होती है जो इंक्रीज हुआ था पता नहीं अब वो क्या रीज़न है। तो देखते हैं, चलो मैं सोच रहा हूँ कि एक और डॉक्टर से कंसल्ट कर लूँ पठानकोट में, वो भी एक स्पेशलिस्ट है, तो देखते हैं जैसे भी रहते हैं। और बाकी अब मतलब ऐसे ना हवा मेरे को अंदर से खुल के आ रही है, काफ़ी दिनों से नहीं आ रही थी, मैं एक साल से इस चीज़ से सफ़र कर रहा था लेकिन मैं इग्नोर कर रहा था, मैं तभी कहता था मेरी सांस जो है भारी हो रही है बात करना, तो वो मेरे को लग भी रहा था, आइडिया था कि मेरा हो सकता है कि ज़्यादा मास बड़ा हो नाक का, तो एक कॉमन चीज़ है ये। तो बाकी दूसरी बात ये है कि आज 1 नवंबर है, कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं पता नहीं फॉरेन वाले मनाते हैं, सारे मीम्स ही बनते हैं, नो नट नवंबर और नो शेव बियर्ड नवंबर। कि नो नट नवंबर वो आपको पता होगा, जिसको नहीं पता वो गूगल कर सकता है, और नो शेव बियर्ड मतलब पूरे एक महीने में बियर्ड को हाथ नहीं लगाना, कटवानी नहीं। तो मैं भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, तो मैं भी एक महीना बियर्ड नहीं कटवाऊंगा, मैं देख रहा हूँ कि क्या होता है इस चैलेंज के साथ, इसको हम भी स्टार्ट करते हैं। और मेरे को शायद कटवाना पड़ जाए क्योंकि शादी है 1 को, तो 30 को कटवाना पड़ेगा, देखते हैं जैसा भी रहेगा, पूरा का पूरा कोशिश करेंगे नहीं कटवाएं, तो भाई साहब इतनी बड़ी हो जाएगी। तो फिलहाल ग्राउंड में काम कर लेते हैं। और अभिषेक तो आज भाई बास्केटबॉल खेल रहा है, बड़ी जल्दी आ गया, चलो सही है भाई। आज हमारा टीचर बच्चों को सिखा रहा है खेलना, अभिषेक टीचर। तो गाइस मैं भी घर पे आ गया, मम्मी यहाँ बैठ के टीवी देख रहे हैं। नहीं करानी फिर सर्जरी है? नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फर्क पड़ा, ऐसे नाक थोड़ा सा खुला हो, मतलब हवा ठंडी ठंडी सी जा रही हो अंदर, मेरे को लग रहा है अब जरूरत है। अच्छा तो जितना लगे दवाई खाता रहेगा उतना वक्त ठीक, फिर दोबारा ऐसे कराना पड़ेगा यार, पठानकोट से चेक कराते हैं।